कॉन्सेप्ट तो उसी का पूछ रहे हैं तो हम उसमें मेंशन कर देंगे ये डायग्राम आप उसमें शो करोगे दैट एंथ्रोपोलॉजी इट ट्रेसिज इट्स इवोल्यूशन कहाँ से करती है एंथ्रोपोलॉजी इज अबाउट द ह्यूमन स्टडी ह्यूमन स्टडी मीन्स अबाउट देयर कल्चर देयर बायोलॉजिकल एवरी रिलेटेड पार्ट उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं देन वी नीड टू द सर्वेजरी देन बारबरिज्म एंड देन सिविलाइजेशन एंड सेवेजरी वाले पॉइंट में आप क्या मैंशन कर सकते हो इनके एट्रीब्यूट्स को आप मैंशन कर सकते हो वाई बिकॉज एंड में हमें यहाँ पहुंचना है यहाँ फर्स्ट सेवेजरी क्या होते थे हंटर एंड गैदरर होते थे ये बहुत ही क्रूल होते थे वाइल्ड होते थे वाई बिकॉज नेचर वैसा ही रहेगा इनको किसी भी गोड के या द एग्स्टेंस ऑफ एनी सुपर नेचुरल पावर इनसे कोई मतलब नहीं था ये कैसे थे इंसेस्टियस रिलेशन इनका होता था वाई बिकॉज इनका एक ही ग्रुप होता था उसी ग्रुप में टू हैव द प्रोजिन वो अपने जो है क्लोज सिबलिंग्स के साथ ही या क्लोज रिलेटिव्स के साथ ही वो अपना जो है मेटिंग करते थे सो दैट्स वाई इनका इंसेस्टियस रिलेशन होता था

दे स्टार्ट लिविंग एट अ वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड दे द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड ऑल्सो द प्रीमिटिव काइंड ऑफ कल्टीवेशन दबसिस्टेंस काइंड ऑफ कल्टीवेशन सो फॉर दैट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज देट की अभी रह रहे हैं तो दे स्टार्ट फॉर्मिंग द फैमिली बट उसके बाद क्या आया उसके बाद आया सिविलाइजेशन इट इज कॉल्ड एज द एडवास्ड फॉर्म एंड सिविलाइजेशन क्यों बना बिकॉज दे फॉलोइंग कल्चर यहाँ पर गोड नहीं था कल्चर के लिए First instance होता है that, that you have in some supernatural power. है? ठीक उसके साथ साथ कल्चर में क्या है कल्चर में प्रॉपर रूल बुक ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड यू आर फॉलोइंग दोज रूल्स आप उन रूल्स को फॉलो कर रहे हो नेक्स्ट आ जाता है द डेवलपमेंट ऑफ द सिटीज बनना स्टार्ट हो गई एंड पैटर्न एक बनना स्टार्ट हो गया व्हाई क्योंकि हमने पहले भी बात करी सिविलाइजेशन मीन्स मींस अ काइंड ऑफ मटीरियल पोजेशन कि आप जो है मेटीरियलिस्टिक पोजेशन आप करते हो सो देन यू आर गोइंग टू डू इज ये डायग्राम आप शो कर दोगे एक ऐसा बॉक्स बनाकर इसमें आपने कंप्लीट मेंशन कर दिया उसके बाद आपको स्टेजेस के बारे में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप स्ट्रेट अवे फीचर क्या होते हैं सिविलाइजेशन के उसके ऊपर जो है फोकस कर सकते हो तो फिर आप सिविलाइजेशन के जो भी फीचर है उसके ऊपर फोकस करोगे सो so, सेम वही आपका जो है इंट्रो में आ जाएगा उसके बाद जो अप्रोच बेसिक रहेगी क्या सर्वेजरी था उसमें क्या होता था तो डायग्राम के थ्रू ही आप शो कर दोगे बट फिर भी मैंने आपको डिटेल में ये दिया हुआ है सो दैट आप पढ़ लो एक बार ये मेंशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वहां हम कर चुके हैं बार बार रिपीटेशन हो जाएगा इतना हमारे पास स्पेस भी नहीं है उसके बाद आप मेंशन करोगे क्या डेफिनेशन देन आप कंपोनेंट मेंशन करोगे सिविलाइजेशन के दैट सिविलाइजेशन इट इंक्लूड्स टू कंपोनेंट्स पहला होता है फिजिकल दूसरा होता है टेक्नोलॉजिकल फिजिकल में हम क्या करते हैं फिजिकल में वाई बिकॉज हमने बात करी थी सिविलाइजेशन इज अबाउट द मटीरियलिस्टिक पैटर्न मटीरियलिस्टिक पोजेशन सो उसमें हम बात करेंगे क्या द फिजिकल आस्पेक्ट दैट सिविलाइजेशन इट एट अटेनिंग सम फिजिकल एडजस्टमेंट करते हैं किसके साथ इन्वायरमेंट के साथ एंड एनवायरमेंट से कितना हम बेनिफिट उठा सकते हैं उनके बारे में बात करते हैं जैसे हमने पहले भी देखा था कल्चर अभी हमने देखा इज अ इंटरनल थिंग सिविलाइजेशन इट इज एन एक्सटर्नल थिंग सिविलाइजेशन रिलेटेड टू द सोसाइटी तो उससे रिलेटेड ये होता है टेक्नोलॉजिकल पार्ट में यू वुड सम ऑफ ऑफ द द टेक्निक्स ह्यूमन एडजस्टमेंट जैसे कि हम बात करते हैं नेचुरल सिलेक्शन की डू यू रिमेंबर द डारविन थ्योरी ठीक है हम मैंशन करते हैं अबाउट सम फिजिकल सम सम लाइक रिलेटेड टू द ड्रेसिंग इंडस्ट्रीज वेपन सो टेक्निक को भी जो है सिविलाइजेशन का एक जो है पार्ट माना जाता है आफ्टर दैट यू वुड मैंशन द कंक्लूजन कि कल्चर जो है उसको सिविलाइजेशन चाहिए फ्यूचर ग्रोथ के लिए दोनों ही क्या है ह्यूमन प्रोसेस से आए हैं तो सेम सिमिलर आपका जो है इसमें कंक्लूजन रहेगा ठीक है